माईटेक टैक्स उमूर अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक तोला साहब बहुत शुक्रिया। तो सब आप मुसलसल इस हवाले से राय देते रहे, टैक्स मामलात को बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं। अब जब अदालत ने एक टाइम लिमिट दे दी और जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके तहत कार्रवाई का कह दिया, ये मामला कैसे आगे बढ़ सकता है? देखिए, जैसे कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि 116 अगर मैडम ने या बच्चों ने अगर वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं किए गोशवारों के साथ, तो ये कहा जा सकता है कमिश्नर की तरफ से कि भाई आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें। और जैसे ही वो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे उसके बाद कमिश्नर साहब देखेंगे फीस सेटिस्फाइड, मामला ख़त्म। अगर उनको लगेगा कि नहीं ये सेटिस्फाइड नहीं है और ये मैटर को ऑडिट में लेके जाना है, तो सेक्शन 176 के तहत वो नोटिस देंगे और उसके बाद वो कार्रवाई चलेगी। और वो जब जवाब दाखिल करेंगे उससे अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो वो शो कॉज कर देंगे, शो कॉज का जवाब दिया जाएगा। और उस पर भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते कमिश्नर साहब, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो एक ऑर्डर पास करेंगे। जब ऑर्डर पास करेंगे तो फिर अपील का मैकेनिज्म खुल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा जजमेंट में ये कहा गया है कि अपील का राइट उनका रहेगा, रिस्पोंडेंट का जो राइट इनके दिए गए हैं या सिक्योर किए हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने, उनको कोई भी नहीं छेड़ सकता। अब वो मामला ये है कि ये टाइम बाउंड भी है और अगर अपील तक ये मामला गया तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी तूल भी पकड़ सकता है। मगर अभी मुझे लग रहा है कि 60 दिन का जो मामला है वो FBR को अपनी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। मेरा ख्याल है, मुझे नहीं, मुझे कल भी मैं आपको कह रहा था ये फॉर्मेलिटी रह गई है कि अब ये जाएगा। और अगर मैडम का कल का जो बयान जो नज़र आ रहा है हमें उसके तहत तो वो प्रॉपर्टियाँ डिक्लेयर कर चुकी हैं और इसके अलावा उनके बच्चों का तो मेरा ख्याल है इसमें फिर कोई अमलदारी नहीं होगी अनलेस के वो कहीं बेनिफिशियरी हों। और दूसरा ये है कि अगर 5 साल पीछे वो लेके जाना चाहेंगे तो वो तो वैसे ही कानून उनको ममानियत करता है। तो कोई भी लॉ ऐसा नहीं होता कि जो आपको कानून की ममानियत के बावजूद आपको कहे कि नहीं इस पर आप अमल पैरा हो। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई ऐसा लंबा, अगर 2018 की स्टेटमेंट पड़े हुए हैं और 2018 में अगर उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है और सोर्सेज आर नॉन, और वो कहती हैं जब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, मैंने UK के रिटर्न फाइल किए हैं उसमें भी टैक्स भरा है और जो पिछले साल का रिटर्न था मैंने उसमें भी टैक्स भरा है, तो मेरा ख्याल है मुझे लगता है ये फॉर्मेलिटी रह गई है। थोड़ा साहब, आपने कल भी कहा था कि जो सब कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो साबित करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो वैसे ही जैसे काजी फैज ईसा के ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती है जब वो बता रही हैं कि मैं कैसे कमाती हूँ, कैसे मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, मगर जो पुराने मामलात हैं, क्योंकि 2003 तक का डॉक्यूमेंट भी उन्होंने बताया कि मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने बैंक से लेके आई हूँ कि और साबित कर रही हूँ कि मेरे ही नाम पर सारी ट्रांजेक्शन हुई, मेरे नाम पर ही अकाउंट था, ये जो पुराने मामलात हैं जो कानून के तहत भी नहीं होते उस पर कैसे इसका तयन होगा अगर उन्हें कोई पेनल्टी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डालनी भी है? शादी भी तो अब डिस्क्लोजर की बात आएगी ना कि किस साल वो रेसिडेंट थी और उनको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना था और उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर ब्रीच अगर हो सकती है, सोर्सेज अगर आइडेंटिफाइड या वेरीफाइबल हैं, तो मैं समझता हूँ कि FBR ज़्यादा नॉन फाइलिंग पे पेनल्टी लगा सकती है। और मेरा ख्याल है ये ज़्यादा केस इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो गया था कि आर्टिकल 209 में जज साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम आया था और मेरा ख्याल है उसको कोरिलेट किया गया था। अगर उससे उसको अब डिटैच कर दिया गया है तो मैं ये समझता हूँ उसमें बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। और अब वो जो लीगल चैलेंजेस जो थे, जो हमें नज़र आ रहे थे, वो मेरा ख्याल है वो सबसाइड होके मेरा ख्याल है 5-10% की हद तक रह गए हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस केस में, जो मेरी आजिद राय है, मैं ये कह समझ सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बिकॉज कि इन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मैंने फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम से ये प्रॉपर्टीज एक्वायर की। हाँ, अगर वो ये कहती और अगर उन्होंने डिस्क्लोज ना किया होता तो 111 सेक्शन में उनके इनकम में ऐड किया जा सकता था, मगर ऐसा मेरा ख्याल है कोई केस नहीं है। और मैं ये समझता हूँ ये जो बाकी 3 जज साहबान ने अपना एक जजमेंट में एडिशन की है, उनका ये कहना था कि जी के ये उधर भी नहीं भेजा जाना चाहिए। अब मेरी आजिद राय ये है कि अगर ये अच्छा होता, चलिए एक अच्छा विन विन एक सिचुएशन बनी है सबके लिए, मगर ये अच्छा होता कि अगर वो इंडिपेंडेंटली मैडम ईसा को कहते कि वो आप वहीं पे खुद जाके रिप्रेजेंट कर लें और जो भी कानून की अमलदारी होगी वो FBR उस हिसाब से इकदामात उठा ले और इनको भी पूरा राइट होता। मगर अभी एक एडिशनल केवियट लग गया है और एक एडिशनल कंडीशन आ गई है कि उनको यही चीज़
अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भी मैडम चेयरपर्सन एफबीआर को देनी है उनको। बहुत शुक्रिया, आशफाक़ उल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद।